इसका ये सिक्स एडिशन है, छठा संस्करण जिसे हम कह सकते हैं कि जो चल रहा है। और उसमें अभी ग्रुप ई के जो लीग स्टेज मैचेस हैं वो चल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गोवा और रेलवे की टीमें इसमें हैं। जो यहाँ से जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी क्वालिफायर वन के लिए, और वहाँ अगर ग्रुप सी के जो ग्रुप सी का जो सेकेंड रैंक की टीम होगी उनके साथ वो मैच होगा, वो जो मैच जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सुपर एट के लिए। तो ग्रुप ई के काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, टोटल 6 मैचेस खेले जाने हैं। अब काफ़ी बूस्टअप अभी मिला है, काफ़ी अगर हम बात करें 2010 के बाद जो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया है उनके हाथ में जब से क्रिकेट आया है ब्लाइंड के लिए, और समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बैनर के तले हम क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड को ऑर्गेनाइज करते हैं, और तब से काफ़ी बूस्टअप मिला है और काफ़ी नए प्लेयर्स भी आए हैं, और इंडिया ने अभी तक टोटल 5 वर्ल्ड कप्स भी हमारी कंट्री के लिए जीते हैं क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड में, तो वो काफ़ी प्राउड की बात है। तो कौन सा? मेरा नाम जितेंद्र पाल है। काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी को सीखने को मिल रहा है। रेलवे मतलब लर्निंग स्टेट में है, सेकंड टाइम रेलवे खेल रहा है इस नागेश ट्रॉफी को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन अलग ही मतलब जोश मिलता है, मतलब लगता है कि हाँ हम भी इक्वल हैं। कुछ चीज़ें जैसे दिव्यांग को लेकर के नेगेटिविटी होती है लोगों में, बट अंदर जब हम लोग खेलते हैं ऐसी स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो फील होता है कि हम भी समाज के साथ खड़े हुए हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और आई मीन नेशनल लेवल पे खेलना हर किसी का एक सपना होता है, और इतने बड़े स्टेज पे मौका मिल रहा है। देखिए मैच तो बहुत ही डिफरेंट है, आप लोग भी जैसे देख पा रहे हैं, अगर पहले नहीं जानते होंगे तो देख रहे हैं, बहुत ही अनोखा टाइप की गेम है। ठीक है, बॉल में छर्रे होती है जो साउंड से हम लोग ब्लाइंड पार्शली ब्लाइंड समझ के खेलते हैं, अगर इसको हटा दे तो फिर हम लोग किसी वक्त हम लोग खेल ही नहीं पाएंगे। पूरी वो बॉल की साउंड के ऊपर बेस करती है हमारी बैट्समैन फील्डिंग जो भी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अनोखा है और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि अब समाज को हम लोग भी कुछ दे पा रहे हैं देश के लिए। वर्ल्ड कप जैसे इंडिया ने जीती है इतनी सारी, आगे भी जीतेगी। ठीक है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से खेलें। ठीक है, और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमें भी मौका मिले बाकियों की तरह, हमारे गेम को भी आगे बढ़ाया जाए।